We're in Splitsvilla and we want to move on from the past. Chilvil, I want to know what happened in the past. वो क्या था जिसने बोला था जो इतना बुरा लगा? मैं रिलेशनशिप में थी 4 साल से और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. मतलब उसकी फैमिली ये बोलती थी कि ये हमारी भी बातें नहीं सुनता है तो तू बोल, तेरी बात सुनेगा. इतना प्रायोरिटाइज कर रखा था उसने मुझे और ट्रीटमेंट बिल्कुल मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही था. और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक रिलेशनशिप में रहते हो तो फैमिली को हो जाता है यार नाउ यू गेट रोकाफाइड और एंगेज. तो आई वॉज 21 जब एंगेजमेंट की बात करी थी एंड ही वॉज ऑल्सो 21 विच इज़ क्वाइट अर्ली. उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है तो सामने वाला वैसे ही यार थोड़ा सा कांप जाता है. हमारे एंगेजमेंट के 1 महीने बाद ही उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. कैसे? कैसे? Like he was हर छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाता था वो. Don't cry. Look, I'm warm. Hug me. So I never wanted it to end. होता है आप किसी को बहुत अच्छा ट्रीट करते हो और ये सब चीज़ें होने लग जाती है ना अचानक से तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि यार ये क्या हो गया अचानक से. तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी ऑड लगने लग गई. एक दिन पापा ने उसे मस्ती में वी वर सिटिंग और बोल दिया था कि चलो चलो अब शादी कर लो. तो वो अचानक से गुस्से में खड़ा हुआ, उसने बोला कि ज़बरदस्ती आपने एंगेजमेंट तो करा दी, अब शादी भी ज़बरदस्ती कराओगे क्या? तो मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी कि ज़बरदस्ती क्या यार. फिर पापा ने बोला कि ज़बरदस्ती क्या होता है, आप भी पसंद करते थे ना. पापा ने उसको बोला कि आप नहीं करोगे तो और कोई करेगा, ऐसा नहीं है ना कि यू आर द लास्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. तो उसने बोला तो करा लो अपनी बेटी की शादी जिससे करानी है. एंड ही लेफ्ट. क्या आप उसे अभी मिस करते हो? चीज तो ये, he was the one who came, Naira, you are my crush, Naira, you are my crush. मैंने कहा चल ठीक है, मैं हूँ अच्छी हो गई होंगे क्रश भाई. और अगर तुम बोलते हो फ्रेंडशिप थी तो तुम ये क्यों बोल रहे थे कि शो के बाहर करते? अगर फ्रेंडशिप थी तो बाहर क्या करना था? Why do you want to continue it? Exactly, भाई मैं बोल ही देती हूँ, आज टेंट में पूरी रिया गैंग सोती थी, मेरे साथ सोने के लिए भौसड़ी वाला क्यों आया मेरे साथ सोने के लिए? क्यों उसने वोट आउट में बोला कि नायरा को छोड़ के सब मेरी बहनें हैं? बहनचोद, हैव द बॉल्स टू से कि यस आई लाइक दिस वुमन. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, मर्द बन बोल भाई. किसी को लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हो जाती यार, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, सब हो जाता है. लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि फ्रेंडशिप थी भाई, तो तुम प्लान करके क्यों आए थे कि नायरा से लव एंगल करना है? फुटेज की बातें कर रहा है ये, हाथ पकड़ के बैठता जब ये बोलता है कि फ्रेंडशिप थी भाई. सेट तक जाने तक मेरा हाथ पकड़ के क्यों बैठता था? मेरे कंधे पे सर क्यों रखता था? फ्रेंड्स के साथ करते हो तुम तो फिर तुम पे लाना थे कि तुम फ्रेंड्स से मुंह मारते हो जाके? फिर तो तुम्हारा कोई क्लास ही नहीं है कि तुम फ्रेंड से भी मुंह मार रहे हो. और ये बेस्ट फ्रेंड रेस्टोरेंट वाली क्या चीज़ है? अरे बकचोदी थी, उसको खुद पता था भाई. मेरे अंदर मेरी गांड में गूदा है कि मैं बोल सकती हूँ टीवी पे कि मुझे पसंद आया, उसकी गांड में गूदा नहीं है. मर्द नहीं है वो, क्योंकि वो 10 लड़कियों से सेम चीज बोल रहा है ना. आकृति को आई लव यू बोल रहा है, आकृति को तुम इमोजी भेज रहे हो लव वव वाली, फिर तुम बोल रहे हो कि वो तो शो से निकल गई, मुझे दूसरी लड़की चाहिए. भाई सबको पता है कौन फ्लर्ट करता है, कौन 10 जगह मुंह मारता है. भाई मैं प्यार में अंधी हूँ सब हूँ, लेकिन मैं डिसलॉयल नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ डिसलॉयल. 3 बार चीट किया है लोगों ने, आई नो. जब फ्रेंड्स चीट करते आई नो हाउ डज इट फील. मेरे को प्रॉब्लम ये, झूठ मत बोलो ना यार. मैं वो बंदी नहीं हूँ, मैं रोती हूँ. मेरे को लिटरली शो के बाद थ्रेट कर रहे हैं लोग क्योंकि वो उसकी साइड बिलीव कर रहे हैं. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज रेडी टू बिलीव. कोई एक बंदा बिलीव नहीं कर रहा कि देयर वाज अ लव एंगल, देयर वाज अ लव एंगल, इट वाज नॉट फ्रेंडशिप. पता है ऑडियंस को, पता है. आई एम फकिंग स्ट्रांग, बट आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड दैट आई एम नॉट एट फॉल्ट. All I'm saying is, tell the world the truth. Tell the world the
ट्रूथ दैट देयर वाज अ थिंग नायरा उसमें नहीं है वो नहीं है उसको नहीं मिली ऐसी अपब्रिंगिंग मैं अब आज भी बोलूंगी आज भी मुझे शायद उसके लिए गालियां पड़ेंगी बट आई स्टिल स्टैंड ऑन माय वर्ड कि उसको नहीं सिखाया गया है लड़कियों की रिस्पेक्ट करना उसको नहीं सिखाया गया है कि गांड में इतना गूदा लेके एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे बंदी पसंद है क्योंकि तुम्हें 10 बंदी पसंद है ना तुम नहीं बता सकते तुमने सेम चीज आकृति को बोली तुमने सेम चीज मुझे बोली अभी पता नहीं किसी को डेट कर रहा होगा या 10 लड़कियों को सेम चीज बोल रहा होगा ही डजंट हैव द बॉल्स मुंह मारता है वो हर जगह जा जाके यार लड़की को थ्रेटन करता है कि मैं तेरे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा या अपब्रिंगिंग मिली है तुम्हारी माने तुम्हें ये सिखाया है तुम लड़कियों को थ्रेटन करो यू आर ब्लैकमेलिंग अ वुमन ऑन सोशल मीडिया जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना मैं तब तक उसकी की ही रहूंगी सूट जाएगी उसकी वहां मरवा के याद रखना अरे इतना हार्ड मत मैं मिल चुप इसलिए हूं कि अभी सही समय आएगा ना दोनों साथ चलेंगे सामने जब फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के बात करेगा ना तब देखते हैं क्या बोलेगा पूरे शो में मारेंगे ना रुक जा गुड 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 मैं मस्ती मजाक कर रहा था और देवकरण आया और देवकरण ने क्या किया कशिश का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पे लाइक किस कर दिया मैंने बोला कि देखो कशिश मेरा कनेक्शन है अभी इससे कोई फ्लड व्लड नहीं करेगा कोई गलत नहीं बोला मैंने क्लियर कर दिया अपनी साइड से भाभी भाभी नहीं है सॉरी मैंने भाभी का हाथ पकड़ा भाभी है भाभी मैं बोल रहा था यार ओए भाभी के साथ फ्लड नहीं कर सकते क्या भाभी को ये थोड़ी कह रहा हूं सेट हो जा कह रहा हूं यू आर लुकिंग प्रीटी ये गलत अबे भाई मैंने ओए एक मिनट रुक जा मुझे ये समझ नहीं आता कि सब अरबाज को कोई प्रॉब्लम नहीं और कशिश को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कौन होता है बोलना फ्लर्ट तो किया ना तूने क्या फ्लर्ट किया किसी को सुंदर बोलना फ्लर्ट होता है हाँ भाई अबे घंटा फ्लर्ट होता है देव रुक बबू सुन इसे कॉम्प्लीमेंट तेरा दिमाग खराब है क्या भाई साले गांडू चुप कर जा किसी को ब्यूटीफुल बोल दिया वो कॉम्प्लीमेंट हाँ, हाँ, तो मैंने कब बोला नहीं है मेरे सुन एक मिनट सुन जब मैं बोल रहा हूँ मेरे से आराम से बोल रहा हूँ टोन ऊपर मेरे से टोन ऊपर मत क्यों ये टोन बहुत ऊपर थी तू भी मत कर किसने पकड़े तू चूतिया भाई अच्छा वो गाली दे दे ठीक है वो गाली दे ठीक है और एक छोटा लड़का तुम दो दो लोग चढ़ रहे हो तुमको थोड़ी सी अक्कल है दो जने एक पे चढ़ रहे हो भाई क्या हो गया प्यार से भाई भाई बोल रहा हूँ क्या कर रहा है प्लीज ब्रो बड़ों का तमीज करना सीख और सुन लड़के की इमेज खराब मत की अगली बार टेलीविजन पे लड़की को प्रॉब्लम थी नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है तुझे क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को क्यों नहीं मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बच्चा है भाई देने दो आराम से लाकर शिवेद देखो रोडीज खेला उसने ये जान पूछ के लड़ रहे हैं मुक्के मार रहे ये कर रहे हैं लाते चला रहे हैं पर ये रोडीज नहीं है पर प्यार बनाना है यहाँ वो चीज नहीं चलेगी ये स्प्लिट्सविल है गाली मत दे रहा भाई जान मार तो जब पूरी लड़ाई शांत हो गई मुझे इतना समझ आ गया था कि युवराज बहुत ही छोटा है उम्र में नहीं दिमाग से सुबह सुबह लड़ाई हुई इट वाज द सेकंड डे ऑफ विला मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ऑनेस्टली इट वाज स्टूपिड बट आई विल लाइंग इफ आई से कि मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि विला में 11 समथिंग लड़कियां थी एंड दे आर ऑल गुड बट लड़ाई में भी हो रही थी कशिश Yes, Hi. Hello. ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ विला में बहुत घुमसुम से लग रहे हो हुआ है क्या हुआ है एक्चुअली क्या है ना मैं कशिश को बहुत अच्छी समझ रहा था बट मेरे को कुछ ऐसा पता चला किसी के मुंह से कि भाई जब कशिश ने देखो बैंड दिया उसके बाद कशिश बोल रही थी कि मैं पछता रही हूँ इसको बैंड देके जब दूर था तो अच्छा लग रहा था जब पास आया तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगी इसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं लगा और बोल भी नहीं पाता है
तो उस टॉपिक को लेके अगर पहले मुझे आके डायरेक्ट ये बोलती कि अरबाज मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं इसे 10 फीट दूर रहता, मैं जाता ही नहीं, ना बात करता ना जाता, क्योंकि मेरे को मेरे से प्यार है। अच्छा दिखने की बात है तो मेरे को पता है मैं अच्छा ही दिखता हूँ, रही बात ड्रेसिंग सेंस की तो सबके सामने है। आज तक हिस्ट्री में स्पीड से लगी ऐसे नहीं हुआ होगा, मैंने 12 बैग लेके आया हूँ, वो भी बड़े बड़े बैग कपड़ों के, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा। और रही बात बात करने की, तो बात कर रहा हूँ अभी, बात कर रहा हूँ तभी यहाँ हूँ। ओके सुकाशिश, इनके एक्यूजेशंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब हम कल भी बैठे हुए थे बाय द पूल, मैंने इसको यही बोला था कि यार जो आउटफिट्स दैट यू वेयर द ग्रीन पैंट्स दे वर सो टैकी, मुंह पे मैंने बोला कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। फर्स्ट डे इसने हमारी बहुत कम बात हुई, बहुत ही कम, तो मैंने इनफैक्ट मैंने उसको सामने से भी बोला कि यार तू तो मेरे से बात ही नहीं करता, मेरे को ही बार बार आके करना पड़ता है। थोड़ा हिंदी में भी बोल देना ताकि मेरे भी लोगों को समझे जो देख रहा है मेरे, जो पॉइंट है, ठीक है। इसने बात भी उसकी मानी जिसके बातों की वर्थ फेक सेकंड हैंड एबीबास शूज से भी कम है। आयुष्मान, आप एबीबास हो? सबसे पहले सर इसने मुझे बोला कि मतलब तूने मुझे बैंड नहीं दिया, बोलती जिन जिन को दिया है उनको देके ही पछता रही हूँ। मैला किसको? बोलती मैं नाम नहीं लूंगी, बट दूर से लंबा सा दिख रहा था, पास आया तो शक्ल ही अच्छी लगी, बात भी नहीं कर पा रहा था। I didn't mention the face. I mentioned I did not say that line. नाम नहीं लूंगी। तो बिना कहे कह दिया। हाँ। मेरे को वही प्रॉब्लम थी कि जब ये सब बातें थी तो मेरे को डायरेक्ट आके बोल देती, तो मैं खुद वो चीजों को नहीं करता। If everybody did that direct, let me tell you, the world would be a better place. Kashish, you wanted to say something? इन सब के बीच में आई केम आउट लुकिंग सच अ टेरिबल पर्सन फॉर सच अ टेरिबल थिंग व्हिच डिड नॉट हैपन। इफ आई उतनी कुबत है मेरे में कि आई ओन अप टू इट, आई हैव टू ओन अप टू शिट दैट आई डू। हैड ही जस्ट आस्क्ड मी इवन वंस, मैं तो बोलती ना क्या है। अगर कोई गलती हुई, You should just say, I'm sorry if that's how you felt, but that's not what I said. And let's just finish this topic. It was a misunderstanding. Okay, take You should have believed me. Take it. I didn't mean it like that, one bit. Okay. Sorry. Okay, thank you. And you are a sore bloody loser. Fucking douche. तेरी बातों पे ध्यान नहीं देता है कोई, अभी तेरे बारे में बात ही होती है। होता ना तो आगे पीछे नहीं मंडरा रहा होता, दो हिलाते हिलाते छूट गया। ये लग रहा है कि रेड कार्पेट पे चल रहे हो, क्या बात है। तो फाइनली उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे ओरेकल के सामने लेके गया। एंड जब हम वहां थे, जब हम ओरेकल के अंदर थे, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ beautiful, most beautiful romantic feeling. So Issa, the mechanism is different. So the only way the oracle works is if you place your hand and Roshali's hand together. And with your energy, oracle reveals whether you're an ideal match. So I was feeling very, very special. हम दोनों साथ में खड़े थे, उसने मेरी आंखों में देखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हमने ओरेकल पे हाथ रखा। ही लुक्ड एट मी एंड जिस तरीके से मुझे श्योरिटी दी अपनी आंखों से कि नहीं, कि मतलब अगर आज ये नहीं भी बनते हैं तो स्टिल, बट आई फील दैट वी स्टिल आर एन आइडियल मैच। ऑलराइट, गो अहेड ओरेकल, क्या हम एक आइडियल मैच है? Lights were blinking and my heartbeat was really fast and he was just looking into my eyes, I was looking into his eyes. Sabke dil tham gaye the ki yaar kya hoga kya hoga, I was like just hoping ki ho jaye ho jaye ho jaye.
ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार हर्ष और रुशाली आप एक आइडियल मैच हो। Oh my gosh, congratulations! I just hugged him and I was like, I was so happy. और हम बन चुके हैं Flix Club 15 के पहले आइडियल मैच और रोडीज रियलिटी शो सबके मुंह बन चुके हैं। मैंने रुशाली को हग किया एंड शी वाज हैप्पी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।